हेलो एवरीबॉडी, मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत सी प्लांट्स नर्सरी का विज़िट किया, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मैंने जो सबसे नियर बाय जहाँ पे मेरा डेली आना जाना है, आर्मी पोलो क्लब और रेस कोर्स ग्राउंड, वहाँ पे उसके बिल्कुल पास ही एम एंग्लो और एसएलएस स्कूल के पास एक नर्सरी है, प्लांट्स नर्सरी, और मुझे कभी नज़र ही नहीं आई लिटरली। इसमें से मुझे कुछ काफ़ी बड़े वाले प्लांट्स चाहिए। एक तो ये भी लिया जा सकता है, कॉम पॉम, कुछ इस तरह के जो कि शदीद गर्मी में सरवाइव करें। ये ऑलरेडी था मेरा आउटर गार्डन में, लेकिन ये सरवाइव नहीं करता है अगर डेली पानी ना दे तो। इसके अलावा दिस वन इज़ गुड, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और पानी में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, बल्कि इसका कलर जो है पानी में ज़्यादा अच्छा आता है। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप अप इन किचन समवेयर तो ये इसके लिए अच्छा है। एक दफ़ा सारे चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्राइसेस बताती हूँ। इनके पास पेंटेड जो हैं प्लांटर्स भी हैं, और इतने छोटे पौधे जो कि बिल्कुल ही पनीरी टाइप होते हैं, इसको तो ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है घर पे। बाकी दिस वन इज़ गुड, आई नीड समथिंग जो कि मैं जो विंडो के सामने है गार्डन उधर लगा सकूं, ताकि थोड़ी से कवर अप मिल जाए धूप से भी। ये मनी प्लांट भी अच्छा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। मुझे इतने बड़े प्लांट होंगे उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होंगी। दिस वन इज़ प्रिटी, ज़्यादा लीफी नहीं लेने चाहिए, अगर ज़्यादा लीफी लेंगे तो आपको उनको ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। ये बेल तो बहुत ही कॉमन है, अच्छी ग्रो करती है, लेकिन इसे गंद भी बहुत पड़ता है, तो सो आई वुड प्रेफर नॉट टू हैव इट। इसके अलावा इनके पास काफ़ी कुछ है, लाइक दिस वन इज़ गुड, रीज़नेबल साइज़ का है, इनको भी चेक कर लेते हैं। सेम पाम की डिफरेंट किस्में हैं यहाँ पे। लेट मी आस्क इसकी क्या है प्राइस, बिकॉज ये साइज में है जो कि इजीली लेके जाया जा सकता है। ओके ये भी ठीक है, लेट मी आस्क इट्स प्राइस। ये 400 की, ये 400 का है, और ये जो बड़ा फुल साइज में इसी का पाइन का 2500। ओके, और वो आगे कौन सा लगा हुआ है फ्लोरल, इसकी क्या प्राइस है? ये तो ज़मीन में अपने लिए खुद लगाया। आपने अपने लिए लगाया हुआ है? ये जाएंगे आपको। ओके ठीक है, कोई ऐसा चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा छाँव हो? सो ये सारे साए वाले दरख्त हैं, ये देखिए। कौन से वाले? ये क्या है? सिल्वर रॉक बोलते हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये 800 का। ये आपने 400 का कहा है? जी। ओके, ये 400 में है भाई। ये क्या नाम है इसका? विनेर बल्ब। ओके, और इसकी प्राइस क्या है? ये 500। ठीक है, तो ये घना नहीं होगा? घना होगा ना भाई, ये देखते हैं हम शायद नहीं होगा। ओके ओके, ये 8000 का कह रहे हैं, इसकी कटिंग हो प्रॉपरली तो ये अच्छा है। लीव्स इसके कैसे हैं? दिस फाइकस इज इन 4000। मुझे याद रहे ना बाद में, I end up finding indoor always. बहुत से outdoor देख देख के आखिर में मुझे indoor ही पसंद आते हैं वैसे। So these are all of the variety. ये बहुत अच्छा है indoor के लिए, dry नहीं होगा, आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं as I told. बाकी ये भी हैं the smaller one. I am finding something in cactus. बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। मनी प्लांट इज़ अ मस्ट हैव, हर घर में होता है ये आई गेस। ये खजूर का दरख्त जो है ये 15000 का है, इससे छोटे जो हैं वो 10000 के भी मिल जाएंगे।
बाकी मुझे कुछ नाउ दिस वन लुक्स यूनिक. वाओ ये कुछ यूनिक सा पीस है और इन्होंने इसको सर्कल में रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, विच इज़ लुकिंग प्रीटी गुड. बाकी मैंने ये भी ट्राई किए हैं प्लांट्स, लेकिन ये इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो. ओके और ये बाकी भी हैं कुछ, ये स्पेशली इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो हैंगिंग वाले वॉल्स में प्लांटर्स के लिए ठीक हैं. और ये कुछ बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से भी हैं. बाकी अलेक्जेंड्रा फार्म एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. वाओ इस तरह के तो सेल्फ ग्रोन होते हैं, इसका कोई नाम बता सकता है मुझे? How do these small small plants survive? Good idea. इन्होंने स्नेक प्लांट को भी सेपरेटली लगाया हुआ है. आप भी स्नेक प्लांट को इसी तरह घर पे ग्रो कर सकते हैं उनके लीव्स के थ्रू, या फिर आपकी स्टेम के साथ जहाँ पे इनकी बिगिनिंग होती है एक न्यू स्टेम की, आप उसे भी ग्रो कर सकते हैं. As you can see. Wow, look at this. How small these are. Such a cute plant. और इन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको ग्रो किया हुआ है डिस्पोजेबल ग्लास में. दिस वन इज काइंड क्यूट. इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट टू समवन. और दिस रोज सॉर्ट ऑफ. लिसन इनकी प्राइसेस क्या है? ये सारे 200 रुपए के हैं. ओके और ये जो ब्लैक है ये क्या है, ये नाम क्या है इसका? सैकुलेंट. सैकुलेंट की ब्रांड है ये सारी. सैकुलेंट ये जो ऊपर है ये भी सैकुलेंट है? ओके और कैक्टस की क्या प्राइसेस है? इसके ऊपर फूल भी लगते हैं. राइट और कितने टाइम में ग्रो करेगा ये? ग्रो कर रहा है, देखना निकल रहा फूल निकल रहा है. ये सारे 200 में है. और ये जो इसमें ग्रोन है? ओके ये वाले प्लांटर्स 1500 का है. और वो जो हैंगिंग वाले वो वाला 500 का बंद है जो बड़े 300. राइट मट्टी भी मिल जाएगी? कितने की है केजी? एक बैग कितने का होता है? 10 kg का? 20 किलो वाला थैला नहीं आटे वाला? हाँ. वो 150 का. ओके 20 किलो का 150 का. ठीक है. जस्ट टू लेट यू नो ये नर्सरी मेन रोड पे है, रेस कोर्स 2 का जो गेट है उसके बिल्कुल पास है. एम एंग्लो स्कूल और SLS स्कूल के पास है एज यू कैन सी. मेन पेशावर रोड. बाकी इनके पास प्लांटर्स भी हैं हर तरह के. दीज आर सो प्रीटी. ये बहुत यूनिक से लग रहे हैं. स्पेशली देयर टेक्सचर इज ऑल्सो वेरी गुड और हर साइज में अवेलेबल है. ये आम का दरख्त है और ये 1500 का है. किसी भी साइज में लें और 3-4 साल में बड़ा हो जाएगा. बाकी रोजेज के हैं ये जो कि सारा साल फ्लावर्स देते रहेंगे. 300 का है ये. इस ट्रिप पे मैंने 5 आउटडोर प्लांट्स परचेज किए जो साइज़ में काफ़ी बड़े थे ताकि उनके ग्रो होने में टाइम ना हो. एंड आई विल शो यू ऑल इन माई नेक्स्ट होम गार्डन व्लॉग. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.